कल चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है, शाम 4 बजे से सूतक प्रारंभ हो जाएगा, रात्रि के 1 बजे ग्रहण है, जो कि 2:30 पर मोक्ष होगा। चंद्र ग्रहण में क्या करना चाहिए? ग्रहण काल चाहे सूर्य ग्रहण हो चाहे चंद्र ग्रहण हो, कहते हैं ग्रहण काल में भगवान का नाम जपना चाहिए, कीर्तन करना चाहिए, अपने मंत्र को जपो जो गुरु जी ने दिया है। भगवान का पर्दा बंद करके सूतक में भगवान को पर्दा बंद करके पहले ही भोग लगाकर पहले ही पूजा आरती कर लो। रात्रि की पूजा आरती 4 बजे के पहले ही कर लो। जैसे 4 बजे से सूतक प्रारंभ होगा तो 3 बजे ही भगवान जी के शाम का भोजन प्रसादी लगा दो, भोग लगा दो, शयन आरती कर लो, शयन करा दो। आप भी 3 बजे ही खा लो। सूतक काल में प्रसाद नहीं पाना चाहिए, ग्रहण काल में केवल भगवान का स्मरण करना चाहिए। चंद्र ग्रहण क्यों पड़ता है, सूर्य ग्रहण क्यों पड़ता है? साइंस का अपना मत है कि छाया पड़ जाती है, पृथ्वी की छाया है ये, तो कहा जाता है कि ये छाया है। ये साइंस कहती है कि छाया पड़ी तो सूर्य ग्रहण पड़ा, छाया पड़ी तो चंद्र ग्रहण पड़ा। साइंस अपने तरीके से जवाब देता है, पर जो आध्यात्मिक जवाब है, इसका आंसर है, उत्तर है, वो ये है कि जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में राहु खड़ा हुआ और जब चोरी से समुद्र मंथन का अमृत राहु ने पिया तो मोहिनी भगवान ने तुरंत राहु का सिर काट दिया। जब समुद्र मंथन हुआ था तो अमृत निकला, उस अमृत को देवताओं ने, दैत्यों ने छीन लिया, तब दैत्यों से मोहिनी भगवान ने अमृत लेकर के देवताओं को पिलाया तो राहु को संदेह हो गया कि ये तो हमें अमृत मिलेगा नहीं, तो वो देवताओं का रूप बनाकर सूर्य और चंद्रमा के बीच में खड़ा हो गया। तो भगवान ने, उसने अमृत पिया तो भगवान ने सिर काट दिया, और सिर काटा तो कुछ बूंद उसकी धड़ में चली गई तो धड़ भी अमर हो गया और सिर भी अमर। वही राहु और केतु है। तो कहा जाता है कि सूर्य और चंद्रमा ने बताया था भगवान को कि ये राहु है, तो सूर्य और चंद्रमा को वह साल में एक एक बार परेशान करता है। कई बार जब ग्रहण काल होता है तो आध्यात्मिक लोग ये मानते हैं कि राहु भगवान सूर्य को परेशान करने जाता है और चंद्रमा को राहु परेशान करता है, अर्थात ग्रसने जाता है, उसे ग्रहण कहते हैं। तो साइंस का अपना उत्तर है, शास्त्र का अपना जवाब है, दोनों ही अपनी अपनी जगह सही है। इसलिए जो परंपराएं बनी हैं अनादि समय से, साइंस तो चलो आज आया, पर हमारे अनादि समय से परंपराएं बनी हैं। साइंस को तो आज पता चला कि ग्रह 9 होते हैं, हमारे ऋषि मुनियों को वेद पुराणों के माध्यम से तो सैकड़ों साल से पता था कि ग्रह 9 ही होते हैं, नवग्रह की पूजा होती है। तो साइंस कई बार अपनी जगह स्थिर नहीं रह पाती। जैसे साइंस ने कुछ वर्ष पहले माना कि प्लूटो एक ग्रह है ना, एक उपग्रह माना प्लूटो को, फिर बाद में नकार दिया साइंस ने कि नहीं ये ग्रह नहीं है, है ना। तो साइंस कभी कुछ मान लेता है, साइंस कभी खुद की बात को नकार देता है। तो साइंस की बात तो बनती और बिगड़ती रहती है, पर शास्त्रों ने जो कह दिया वो कह दिया, उसे जो कह दिया वही अटल सत्य है, ऐसा मान लेना चाहिए। शास्त्रों के प्रमाण बड़े गजब के हैं। साइंस को पता चला कि पृथ्वी गोल है, कब पता चला बताइए? पृथ्वी गोल है ये सिलेबस में कब आया, ये पाठ्यक्रम कब लागू हुआ कि पृथ्वी गोल है, कब पढ़ाया गया? सारी दुनिया मानती थी कि पहले पृथ्वी चपटी थी, ऐसा सारी दुनिया, हिंदुओं के धर्म ग्रंथों के अतिरिक्त अन्य मजहब पंथों के धर्म ग्रंथ में तो आज भी लिखा है कि पृथ्वी चपटी है। लेकिन साइंस को अभी पता चला, अभी मतलब 100 साल पहले, 200 साल पहले, 500 साल पहले,
और लो तो 1000 साल पहले पता चला ना कि पृथ्वी गोल है। मैं तो फिर भी ज्यादा बता रहा हूँ कि 1000 नहीं, अभी कुछ वर्ष पहले ही पता चला कि पृथ्वी गोल है। साइंस को अभी पता चला कि पृथ्वी गोल है। हमारे भागवत जी में, हमारे पुराणों में 1000 साल पहले से ही एक सब्जेक्ट है, भूगोल। क्या विषय था हमारे यहाँ? भूगोल। तो हमारी जो वेद पुराण है वो साइंटिफिक है या नहीं? इसलिए साइंस का कहना अपनी जगह सही है। कई बार साइंस आज जो कहता है उसी को कल साइंस खुद नकार देता है कि नहीं जी, ये जो कहा गया वो ठीक नहीं था। वो साइंस के बहुत सारे दलीलें बाद में समय आने पर उसे बदला गया, बहुत सारी चीज़ों में बदलाव हुआ, अपडेट किया उन्होंने, लेकिन शास्त्रों में जो पहले था, नवग्रह 9 ग्रह तब भी थे, आज भी 9 ही ग्रह हैं। साइंस ने पहले माना नहीं 10 ग्रह हैं, प्लूटो को जोड़ लिया, बाद में नकारना पड़ा कि नहीं जी, वो साइंस ने खुद नकार दिया कि नहीं जी ये ग्रह नहीं है। हाँ या ना? तो कुल मिलाकर के हमारे जो शास्त्र हैं वो अपनी जगह स्थिर हैं। इसलिए हमारे अपने धर्म ग्रंथों पर हमें ज्यादा विश्वास करना चाहिए, हमें अपनी संस्कृति पर ज्यादा गर्व करना चाहिए, क्योंकि आज साइंस जो कह रहा है वही 1000 साल पहले हमारे वेद पुराणों ने बता दिया था। अब आप ना जाने ना सुने ना समझें तो गलती आपकी है।